नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, आर्थिक स्थिति कभी अच्छी होती कभी ख़राब हो जाती है। व्यक्ति जीवन में हमेशा ये कोशिश करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, तो उसके लिए कुछ उपाय भी करने होते हैं जीवन में, और ये जीवन में उपाय बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे आपसे, और आप उनको अपनाएं। वास्तु दोष के हिसाब से भी ये बहुत उपाय कारगर हैं, और इनको आप करें और इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं। जानने से पहले लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आपको चैनल के माध्यम से अनेकों ऐसे उपाय जो हैं बताए जाएंगे, जिनको आप आजमा के अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बताएंगे एक चांदी के बारे में बताएंगे। चांदी का हाथी जो होता है, अगर आप अपने घर में चांदी का कम से कम 150 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी घर में रखें, तो आप समझ लीजिए ये बहुत अच्छा माना गया है। वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है, ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो चांदी जो होता है चंद्रमा से इसका कनेक्ट होता है, चंद्रमा से देखा जाता है इसको चांदी को, तो ये बहुत शुभ होता है। इसको आप रखें, 150 ग्राम का चांदी अपने घर में आप रख सकते हैं। इसके अलावा चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें या घर की तिजोरी में रखें, इससे बहुत फ़ायदा होता है आपको, आर्थिक स्थिति इससे बहुत सुधरती है। घर की तिजोरी में, अलमारी में, या फिर अलमारी में आप अपना चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रख लें। इसी प्रकार से आपकी जो तिजोरी होती है, जहां आप पैसे वगैरह या गहने आप रखते हैं, वहां एक ढक्कन लगी चांदी की डिब्बी होती है, डिब्बी चांदी की बनवा लें, मार्केट में आपको मिल जाएगी। उसमें पानी भर लें उसमें, और ऊपर से उसको बंद कर दें और तिजोरी में रख दें, अपनी तिजोरी में रख दें इसको, और देखते रहें जब वो सूख जाए पानी तो उसमें फिर से पानी भर दें और इसको अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार होगा आपकी आर्थिक स्थिति में। तो दोस्तों, आपने ये कुछ टोटके हैं, इनको अपनाएं और इससे बहुत फ़ायदा होता है। लाल किताब और भी कई ऐसे कुछ किताबें हैं टोटके की, बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं, उसके अनुसार इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।